तो आज मैं क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो कि क्लास 11 में टोटल 5 यूनिट्स हैं एंड इन 5 यूनिट्स में 22 चैप्टर्स हैं। कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है एनसीईआरटी की कि इसको अगर हम रेगुलर लेवल पे करें एनसीईआरटी को तो डायरेक्ट तो बहुत टाइम चाहिए हमें इसको कंप्लीट करने में, बहुत अच्छे ढंग से करने में। जैसे कि हमें मालूम है कि जितना भी ये नीट का एग्ज़ाम है इट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड है। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट नीट के एग्ज़ामिनेशन के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो कि मैं इसी कंक्लूज़न पे आई हूँ कि इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और आइदर एनसीईआरटी बेस्ड है या उनको इन डायरेक्टली रीजनिंग की तरह उनको बताकर एप्लीकेशंस के फॉर्म में दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बहुत वास्टनेस में नहीं जाना, जैसे कि और वी हैव टू मूव अराउंड एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी के आसपास ही घूमना है और अच्छे से एनसीईआरटी ही करनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा एनसीईआरटी का सिलेबस है कि वही कर लें दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। और मोर ओवर जो हम इसमें यूनिट्स देखते हैं तो ईच यूनिट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। जैसे कि मुझे बच्चों ने कहा कि लास्ट मैसेजेस दिए हैं कि मैम सबसे पहले 11th का सिलेबस स्टार्ट करो तो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करो, कई जिन्होंने कहा कि एनाटॉमी से स्टार्ट करो एंड समवन दे आस्क मी टू स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी यूनिट्स हैं ऑल दे हैव इज ऑन इम्पॉर्टेंस। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें कि फर्स्ट यूनिट क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हम देखेंगे देयर आर 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 4। फर्स्ट वन इज़ लिविंग वर्ल्ड एंड सेकेंड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, थर्ड वन इज़ प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज़ एनिमल किंगडम। तो कहने के तो ये 4 चैप्टर्स हैं लेकिन इन 4 चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अगर हम CBSE की बात करते हैं तो CBSE के अकॉर्डिंगली तो दिस कैरीज नो इम्पॉर्टेंस। जितना कि ज़्यादा ये इलाबरेट है, ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन उसके हिसाब से CBSE के अकॉर्डिंगली जो CBSE ने मार्क्स डिसाइड किए हैं 11th के CBSE एग्जामिनेशन के लिए दे आर ओनली ऑफ 7 मार्क्स। लेकिन जब हम नीट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो दिस यूनिट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि मैंने अपने जितने भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, आई एम ऑल्सो इन टच विद लास्ट, मैं अब तो लास्ट 4-5 ईयर्स से, जब से मेरी डॉटर मेडिकल एग्जामिनेशन में की प्रेपरेशन में थी तब से ही मैं देख रही हूँ रेगुलरली कि किस तरह से किस यूनिट से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि इस यूनिट्स में से ही नियर अबाउट एवरेज लेवल पर देखें तो 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार देखे हैं तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और मैक्सिमम 15-17 तक भी आए हुए हैं। और कहने का मतलब है कि लास्ट 4-5 ईयर्स से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, 7-10। तो आई मीन टू से कि नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस इट्स पूरे यूनिट्स में से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आई मीन टू से कि दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो मैं सीक्वेंस से ही स्टार्ट करूँगी, जैसे कि फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी और उसमें फर्स्ट लेसन कौन सा है, दैट इज़ ए लिविंग वर्ल्ड। तो अब जैसे कि इसमें बहुत सारे हम कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे जो कि वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दियर आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, कि उनमें हम कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन 11th में हाउ इट इज़ डिफाइंड, हाउ इट इज़ इलाबरेटेड, द लिविंग वर्ल्ड को कैसे इलाबरेट किया गया है वो हम देखते हैं। तो जैसे कि मालूम है द लिविंग वर्ल्ड इज़ ए वेरी डाइवर्स, कि लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन दिस यूनिवर्स, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है एंड उसके अकॉर्डिंगली देयर आर वेरियस प्लेसेस ऑफ लिविंग और वी कैन से वेरियस प्लेसेस ऑफ हैबिटेट प्लेसेस और इवन वी कैन से कि एक्सट्रीम प्लेसेस ऑफ लिविंग कौन से हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल प्लेसेस ऑफ लिविंग वो तो हैं ही हैं, जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस इफ़ वी टॉक अबाउट दी डेकिड्यूस फॉरेस्ट, अगर हम कुछ डेकिड्यूस फॉरेस्ट की बात करते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं या हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज या वाटर रिसोर्सेज की बात करें या ओशियंस की बात करें या हम स्नो एरियाज़ की बात करें या हम इवन इफ़ वी टॉक अबाउट दी डेजर्ट्स, कि ये सब एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं और प्लेस ऑफ लिविंग्स, कि वी मीन टू से कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि दे आर ऑल ऑक्यूपाइंग ऑल द लिविंग
ऑर्गेनिज्म दे आर ऑक्यूपाइंग ऑल ऑफ दीज एक्सट्रीम प्लेसेस ऑल्सो. तो दीज आर डाइवर्स हैबिटेट एरियाज इन विच वेरियस लाइफ फॉर्म्स आर फॉर्म. नाउ द क्वेश्चन कम्स, वॉट इज ए लाइफ? तो इवन ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. जैसे कि अगर हम एक कॉमन मैन को भी बोलें, कैन यू डिफ्रेंशिएट ए प्लांट एंड एन एनिमल और ए फंगस और ए बैक्टीरिया फ्रॉम द नॉन लिविंग वन? तो वो क्या कहेगा? ईजिली ही कैन आंसर. लेकिन अगर हम इफ़ वी डिफाइन द लाइफ, बिकॉज लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्रीगेशंस एंड लॉट्स ऑफ अदर करेक्टरिस्टिक्स दे आर एसोशिएटेड विद द लाइफ फॉर्म्स, कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, कि कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कि एक्सेप्शंस कौन सी हैं, कि वायरसेस. इफ़ यू टॉक अबाउट दी वायरसेस, तो कॉमन मैन नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि वायरसेस क्या है. इवन द साइंटिस्ट दे कैन नो कि दे कैन डिफाइन द वायरसेस, कि दे आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, कि वो ना ही नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है. कहने का मतलब है कि दे आर क्रिस्टल्स आउटसाइड द लिविंग वर्ल्ड एंड वेन एवर दे एंटर इन साइड द होस्ट देन दे बिकम एक्टिव एंड दे आर लिविंग बिकॉज दे स्टार्ट यूजिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट इन विच दे हैव एंटर्ड, जिसमें वो एंटर हुए हैं और उन्होंने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑल्सो एंड दे हैव स्टार्टेड देयर रेप्लिकेशन ऑल्सो. तो इस वायरस के ही एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ए बिग पजल, कि बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलती हैं जिसके बेसिस पे वी कैन नॉट डिफाइन एज ए लाइफ एज ए होल. लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू लाइफ एज ए डिफाइंड फॉर्म, कि एक डेफिनेशन तो साइंटिफिक बनती ही है लाइफ की. तो द मोर एक्यूरेट और ट्रू डेफिनेशन क्या है लाइफ की, वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं. तो लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स and these reaction lead to availability of and all these chemical reactions. क्या होता है chemical reactions के दौरान? Energy is formed and due to this energy there are various another phenomena that are growth and there are metabolism or various life sustaining processes, development or we can say responsiveness or adaptability or reproduction or even reproduction are possible due to this energy are possible. तो चाहे हम कह लें ये लाइफ की डेफिनेशन है, चाहे हम कह लें दीज आर करेक्टरिस्टिक्स. तो दिस इज एग्जैक्टली जो कि लाइफ को एक टच करने की कोशिश करती है, दिस डेफिनेशन. बट ऑल्दो इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कि ये सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है. क्यों नहीं है वो हम देखते हैं अभी आगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ए लाइफ? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. जैसे कि हमें मालूम है, इफ़ वी टॉक अबाउट सेल लाइफ देन वी हैव टू स्टार्ट विद द सेल्स एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, और सेल के अंदर व्हाट इज प्रेजेंट. सेल इज़ ए यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेदर दे आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. And these molecules, they are organized and there are various chemical reactions, they occur inside these molecules. बहुत सारी chemical reactions होती हैं और उन chemical reactions को हम specific metabolic reactions बोलते हैं, उनको भी हम detail में करेंगे. And these metabolic reactions के दौरान what is needed or what is released, that is energy. Energy is released or it is needed to do, then what are various further processes, they are अवेलेबल ड्यू टू दिस. किसके कारण? ड्यू टू दिस एनर्जी के कारण ग्रोथ इज देयर.
मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर, जितने भी लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम्स दे आर पॉसिबल ड्यू टू दिस एनर्जी एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस आर देयर. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, एडेप्टेबिलिटी इज देयर, और रिप्रोडक्शन आर ऑल पॉसिबल ड्यू टू दिस एनर्जी. एंड एनर्जी इज हाउ इट इज फॉर्म बाई दी मेटाबॉलिक और दी केमिकल रिएक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन साइड इन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ए लाइफ. ठीक है, तो दिस इज ऑल्दो इट इज इन एग्जैक्ट और ए ट्रू डेफिनेशन बट इट ऑल्सो हैविंग सम डाउट्स, इसमें भी कम सम डाउट्स हैं, क्योंकि लाइफ इज सच एन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू, और इफ़ यू टॉक अबाउट हायर ऑर्गेनाइजेशन कि ऑल दी स्पीशीज दे आर इंटरेक्टिंग एंड दे आर फॉर्मिंग पॉपुलेशन एंड ऑल दी पॉपुलेशन दे आर फॉर्मिंग दी कम्युनिटी एंड कम्युनिटीज दे आर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट टू फॉर्म दी इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम they are leading to the biosphere and ultimately whole of the universe is forming. कहने का मतलब है कि इतना vast है universe और इतनी ही ज़्यादा vastness है उनकी species में, organization में, तो जिसके behalf पे हम life को as such define नहीं कर सकते. तो कहने का मतलब है we are trying our best to define life on the basis of some of the characteristics that are exhibited by the living organizations. कि लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट पोसेस्ड बाय सम नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब हम देखते हैं एक एक करके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कलेक्ट, मैंने पूरा कोशिश किया है कि जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हैं चाहे वो लार्ज लेवल पे हैं, उनको मैं अच्छे से डिफाइन करूं. फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इन व्हाट मैनर दे आर गिविंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द वेरियस लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद व्हाट आर वेरियस डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. अगर हमने लाइफ को डिफाइन करना है तो इससे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइफ एंड व्हाट इज़ ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइफ. तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच इज़ फाउंड अनएक्सपेक्शनली, कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, शुड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स. कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें ये प्रेजेंट है, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के जब कुछ करेक्टर्स लिविंग बींग्स के अंदर हैं तो वी कॉल दोज करेक्टर्स एज डिफाइनिंग वन. ठीक है, वो अब हम देखेंगे कौन कौन से करेक्टर्स डिफाइनिंग है और कौन कौन से नहीं है. जब भी हम स्टार्ट करेंगे मेजर करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने, तो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स आर दोज करेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के. एंड दीज आर नॉट प्रेजेंट इन, नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग बींग्स. कि नॉन लिविंग बींग्स में डिफाइनिंग करेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. डिफाइनिंग मीन्स डेफिनेट करेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स. एंड विच इज़ नॉन डेफिनेट, नॉन डेफिनेट करेक्टर वो वाला करेक्टर है, या नॉन डिफाइनिंग करेक्टर वो करेक्टर है कि जो लिविंग बींग्स में है लेकिन उसकी एक्सेप्शंस भी हैं दैट कैन बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑल्सो. मतलब एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं बता सकता कि वो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, कि हमें डिलिमिटेशन नहीं पता लग सकती उसके बेसिस पे कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. ठीक है, तो इस तरह से डिफाइनिंग करेक्टर्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग बींग्स. कहने का मतलब दे आर प्रेजेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन इन ऑल लिविंग बींग्स बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग बींग्स. ठीक है, और नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स बट दे आर नॉट एक्चुअल डिफाइनिंग दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स. कि वो हम जरूरी नहीं है कह सकते हैं कि वो लिविंग बींग के ही करेक्टर्स हैं, दे माइट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग बींग ऑल्सो इन सम अनदर वे.
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद इंडिविजुअलिटी. सो फर्स्ट करेक्टर इज इंडिविजुअलिटी. तो व्हाट इज एन इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मीन्स ए, इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ, द ऑल लिविंग बींग्स दे आर हैविंग, दे शो सम काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि एक तरह से कंप्लीट एंटिटी होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन लिविंग. कि नॉन लिविंग में क्या होता है, दे आर कैन बी ब्रोकन इन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल, कोई भी हम यूनिसेलुलर की बात करें या हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इफ़ वी ट्राई टू ब्रेक दैम, तो दे विल लॉस देयर इंडिविजुअलिटी. कि क्या जो उनका पर्टिकुलर एक डेफिनेट इंडिविजुअलिटी है, एक एंटाइटी है उनकी, या हम कह लें उनकी एक पर्सनैलिटी है, दैट इज़ गोइंग टू लॉस्ट इफ़ वी ट्राई टू ब्रेक दैम और हार्म दैम. ठीक है, तो दैट इज वाई द लिविंग बींग्स दे शो सम सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी दैट इज नॉट पसेस्ड बाय द नॉन लिविंग बींग्स. ठीक है, नॉन लिविंग बींग्स के द्वारा ये इंडिविजुअलिटी इज नॉट देयर. ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकेंड. लिविंग बींग्स दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज एंड फॉर्म, दैट मीन्स दे आर ऑफ डेफिनेट और मॉर्फस form of life. Morphous form means definite morphology is there, definite form and shape is there. जितने भी unicellular की बात करें या multicellular complex organization की बात करें, all they are having distinct or definite shapes. सबकी अपनी definite shape है, size है. ठीक है ना, किसी भी हम species की बात करें, जैसे कि हम plants की बात करें, having प्लांट्स में देयर आर डिफरेंट डेफिनेट हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज आर देयर. और हम ट्रीज़ में भी डाइवर्स वराइटीज़ डाइवर्स स्पीशीज़ देखते हैं, कि सबकी अपनी अपनी लीव्स की डेफिनेट शेप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है. इफ़ यू टॉक अबाउट दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सच एज पैरामीशियम की बात लें, स्लीपर एलिमल क्ल्यूल बोलते हैं, या हम यूग्लिना की बात करें, या हम यूनिसेलुलर एल्गा की बात करें, या हम मल्टी सेलुलर एल्गा की बात करें फिलामेंटस टाइप की, या हम हायर ऑर्गेनाइजेशन बर्ड्स की बात करें, या इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ऑल दे आर हैविंग डेफिनेट और मॉर्फस फॉर्म ऑफ शेप. सबकी एक अलग से डेफिनेट शेप साइज एंड फॉर्म है. ठीक है, बट नॉन लिविंग्स, तो दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बींग्स. बट amorphous form of size and shape is exhibited by non-living beings. कि non-living beings में क्या होता है, amorphous. They are not having definite size and shape. कि definite size and shape उनमें absent होता है. तो this is a criteria, but this is not exactly giving the differentiation. कि ये बहुत तरह से differentiation नहीं provide करता. ठीक है, तो उसके बाद हम next देखते हैं होम्योस्टेसिस. इज एन इंटरनल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग बींग. इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, वो मेंटेन करने की कोशिश करता है. दैट ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोसीड इट इन ए रेगुलेटरी वे इन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन. जैसे जैसे बाहर से कोई भी चेंज आता है ना एनवायरमेंटल कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ट्राई टू अडेप्ट देमसेल्स, दे ट्राई टू मेंटेन देयर रेगुलेटरी मैनर, अपने आप को कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करते हैं. तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग का. कि लिविंग बींग में क्या होता है, दे try to maintain their internal environment constant, चाहे environment में, बाहर के environment में कुछ भी changes आ जाएँ किसी भी तरह से. या तो वो, जैसे कि हम example लें, if there is a lots of बहुत बाहर बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी के दौरान क्या करते हैं, when we move outside we sweat a lot, तो बहुत ज़्यादा sweat करते हैं, so that our body temperature is constant. तो उस condition में हम अपनी body का temperature constant करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल ले सकती हैं, व्हेन वी एंटर इनटू ए डार्क रूम, एकदम बहुत लाइट वाले रूम से
जब नहीं बहुत सारे बाहर से लाइट वाले यानी कि सनलाइट से व्हेन वी ट्राई टू एंटर इनटू ए रूम अंदर की तरफ आते हैं तो वी आर नॉट एबल टू सी फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन आफ्टर सम टाइम आवर आईज दे एडजस्ट देमसेल्फ टू सी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ए रूम, रूम के हर पार्ट को क्लियर से देखने के लिए काबिल हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आवर बॉडी हैज़ एडजस्टेड, कि हमारी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, कि बाहर की कंडीशन कैसी हैं उसके अकॉर्डिंगली उसने बॉडी ने एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इस सारे इन सब एग्जांपल्स को हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस कंडीशन बाय वेरियस मीन, चाहे रेगुलेटरी मैनर में कह लें चाहे हम कन्फॉर्मिंग मैनर में। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह के हम ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिश एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के एग्जामिनेशन उनको हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्फॉर्मर, कि वो चेंज कर लेते हैं लेकिन एडजस्ट तो करने की कोशिश करते हैं ना। तो ऑल दीज कंडीशंस दे कम अंडर दी होम्योस्टेसिस कंडीशन, कि वो चाहे कैसे भी अपने बॉडी को रेगुलेट करने की कोशिश करें या स्टेडी स्टेट में रखने की कोशिश करें तो वो रखते हैं। एंड दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग, ये लिविंग बींग के इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, सो वी सी द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स प्रोटोप्लाज्म। सो वॉट इज ए प्रोटोप्लाज्म, इट इज ए कॉम्प्लेक्स लिक्विड और जेली लाइक मटीरियल, ठीक है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड या जेली लाइक लिक्विड पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इन विच वेरियस लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस हैं जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ऑल दे ऑकर, कि ये सब किसके अंदर है, मीडियम कौन सा है उन केमिकल रिएक्शन का, दैट इज ए प्रोटोप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म ही क्या है, इट इज ए बेसिस ऑफ लाइफ। जैसे कि देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज जूलियस हक्सले, तो जूलियस हक्सले ने कहा कि 1809 में, ही वाज नियर अबाउट किस इस ईयर के आसपास था, कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इफ यू टॉक अबाउट लाइफ देन वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोटोप्लाज्म ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्टरिस्टिक्स दैट इज एग्जिबिटेड बाय द लिविंग बींग्स, दैट मीन्स लिविंग बींग्स दे आर हैविंग सेल्स एंड सेल्स आर हैविंग प्रोटोप्लाज्म दैट आर डिलिमिटिंग बाय सेल मेम्ब्रेन। तो दैट इज वाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करेक्टर सॉरी क्वेश्चन नहीं करेक्टर दैट कम्स सेलुलर स्ट्रक्चर। तो वॉट इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर, वी नो ऑल द यूनिसेलुलर फॉर्म्स और द एसेलुलर फॉर्म्स और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ सेल। सो वॉट इज ए सेल, इट इज ऑल्सो ए प्रोटोप्लाज्मिक मास, ए सेल इज ए प्रोटोप्लाज्मिक मास दैट इज सराउंडेड बाई द सेल मेम्ब्रेन, किसके सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है। और प्लांट सेल में क्या होता है, देयर इज एन एडिशनल सेल वॉल, और बिसाइड्स इन सम अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस देयर इज एन एडिशनल सेल वॉल ऑल्सो, और बैक्टीरिया में भी एडिशनल सेल वॉल इज देयर बिसाइड्स द सेल मेम्ब्रेन। तो वट इज ए सेल, इट इज ए प्रोटोप्लाज्मिक मास, जो कि प्रोटोप्लाज्म हमने पहले डिफाइन किया ही है। तो उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, एंड दिस सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल्स में या सम अदर ग्रुप्स में सेल वॉल इज देयर एंड दे आर ऑल डिफाइनिंग दिस सेल। तो देयर वॉज ए साइंटिस्ट हुज नेम वॉज लेमार्क, बहुत फेमस साइंटिस्ट है लेमार्क, इसको हम एवोल्यूशन के चैप्टर में क्लास 12 में इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि लेमार्किज्म क्या होता है। तो उसने भी कहा था कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ए सेल, यानी कि इफ़ यू वांट टू डिफाइन लाइफ देन लाइफ शुड स्टार्ट विद ए सेल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेल। So these are all characteristics that are moving, that are producing, proceeding towards the life. कि एक single characters के basis पे तो हम satisfied कर ही नहीं सकते कि life को. तो that is why we have to come across so many different terms and conditions. अभी तो मैं सारी minors बता रही हूँ that are all
having characteristics that are moving around the life. Then after this, these characteristics, we will be proceeding towards the major characteristics. Kaun-kaun se hain, jo ki NCRT mein hain, aur woh unme se which are defining and which are non-defining properties, woh hum elaborate manner mein aur bhi karenge. Theek hai? To, if there is cellular structure, then there is some machinery that is called the जेनेटिक मटीरियल. अब हमें मालूम है जेनेटिक मटीरियल कौन सा है. अब डीएनए की इन्वेंशन हो चुकी है, डीएनए आरएनए दे आर एक्टिंग अवर जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, और बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए डीएनए इज देयर. ठीक है, इट इज़ अवर हेरिडिटरी मटीरियल की ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स दे आर पॉसिबल ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए. और डीएनए क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. तो डीएनए के बारे में सबको मालूम है, दैट मीन्स ए लिविंग एंटिटी. DNA kya hai, it is a living entity and not a non-living one. ठीक है, so if a genetic material is there, then there are chances. और हमें पता है कि DNA double करता है अपने आप को, कि cell division processes are there, cell division होगी, cell growth होगी, जिसके दौरान DNA double करता है. और जब DNA replication होती है, then there are chances of variations occur DNA में, कुछ भी changes आने के, duplication of DNA में, उसके genes में कुछ भी changes आने के chances होते हैं due to mutation. तो दीज म्यूटेशंस दे लीड टू वेरिएशंस. कहाँ जाती हैं, वेरिएशंस की तरफ. और ये वेरिएशंस दे आर लीडिंग टू दी अडेप्टेशंस. वेरिएशंस के कारण देयर स्टार्ट्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. कि स्पीशीज में स्ट्रगल होती है, देयर इज़ ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. किसके लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए, शेल्टर के लिए. ठीक है, दे स्टार्ट कम्पीटिंग विद ईच अदर, विद अदर स्पीशीज. ठीक है, एंड द बेस्ट वन दैट आर हैविंग good variations and in variations ko nature select karti hai, and so that they are adapted in a new environment to form a new species. Nayi species banti hai evolution ke dauran. Aur ye sab characteristic kiske dwara hote hain, living being ke dwara. Theek hai, in sab ko to hum detail mein karenge hi class 12 mein during the process of evolution and genetics mein bahut detail mein karenge. Theek hai, to they will clear the object of life, jiske basis pe to hame clear ho hi jayega ki life है तो DNA as a genetic material life में ही है, cell में ही है, and not in non-living में. ठीक है, तो this is regarding. Now we come to the major properties. What are various major characteristics that are exhibited by the life? कि if we want to define life, and what are major characteristics, which are the defining one and which are non-defining one. अब हम कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं. उसमें सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द फर्स्ट मेजर करेक्टर इज ग्रोथ. तो व्हाट इज ए ग्रोथ, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास size or number of cells तो अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो ये क्या है, परमानेंट. परमानेंट मीन्स कि जब भी ग्रोथ होती है, वेन एवर देयर इज इंक्रीज ऑफ नंबर्स देन देयर विल बी नेवर डिक्रीज, और इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ मास देन देयर विल बी नेवर डिक्रीज ऑफ मास विद टाइम. कि जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे ग्रोथ इज देयर. जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं ग्रोथ में, व्हेन ए सीड व्हेन इट इज सोन इनसाइड द सॉइल, एक छोटा सा बीज व्हेन इट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इनटू ए लार्ज ट्री, एक छोटा सा सीड किस में, एक लार्ज ट्री में डेवलप हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ. और इसी तरह से स्मॉल बेबी इज कन्वर्टेड इनटू एन एडल्ट वन. ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स किसके हम कह सकते हैं, ग्रोथ के. तो ग्रोथ क्या है, इट इज परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास साइज और नंबर ऑफ सेल. बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ एज वेल एज ऑफ एनिमल ग्रोथ. अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं या एनिमल ग्रोथ की, बोथ आर लिविंग. जैसे कि हमें मालूम है कि दोनों ही लिविंग है. तो प्लांट में क्या होता है, देयर इज एन इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट मीन्स दे कॉन्टिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक है, पूरे लाइफ में वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट एजेस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स.
some plants they are having very short lifespan, and some plants they are having lifespan of near about 2000 years. In pure years ke duran kya karte hain, slowly and steadily grow karte hain. That is why we call the plant growth as an indeterminate or open form of growth. Open form of growth means ki constantly there are meristematic tissue due to which the addition of cell or size or the addition of mass is there, theek hai, and usko hum keh denge indeterminate. Lekin animals kya hote hain, they stop growing. Animals, they stop growing after some definite period. That is why their growth is called the determinate and organized form of growth. Animals growth kya hoti hai, organized form mein, ki there is a definite organization is there, but in case of plants itni jyada organization nahi hai. ठीक है ना, देर आर इरेगुलर ब्रांचेस, दे ग्रो हेयर एंड देयर, बट इन केस ऑफ प्लांट एनिमल्स किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करें, दे हैव ए डेफिनेट फॉर्म ऑफ देयर ग्रोथ. ठीक है, लेकिन अगर हम इस ग्रोथ को बोलें कि ग्रोथ इज ऑलवेज फ्रॉम इंटरनल साइड और इंक्रीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंटरनली, इंक्रीज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस इंटरनली, दैट इज इन साइड दिस सेल, कि सेल के अंदर ही प्रोटोप्लाज्मिक डिपोजिशन इज देयर, इंटरनल ग्रोथ सॉर्ट ऑफ ग्रोथ इज देयर, तो सच ग्रोथ इज कॉल्ड द इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ठीक है, इस तरह की ग्रोथ को हम इंटरसेप्शन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि द नॉन लिविंग बींग ग्रोज. अब क्वेश्चन आता है कि वेदर द नॉन लिविंग दे ग्रो, नॉन लिविंग भी ग्रो करती हैं. कैसे ग्रो करती हैं, दे ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन. जैसे कि हम एग्जाम्पल लें किसी भी माउंटेन का, ठीक है, दे माउंटेन्स, या हम स्नो माउंटेन का एग्जाम्पल लें. इनिशियली इफ दिस माउंटेन्स दे आर वेरी स्नो माउंटेन, दे आर वेरी स्मॉल स्नो, दिस इज ए स्नो माउंटेन और उसकी ये हाइट है. अब जब फर्दर स्नो पड़ती है तो वट हैपन्स, द हाइट इंक्रीजेज अप टू दिस, कहाँ से इतनी बढ़ जाती है. ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज ऑल्सो ए ग्रोथ. ठीक है, एंड दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होती है. जितने भी माउंटेन्स हैं दे आर ऑल्सो बिल्ट इन द सेम मैनर. ठीक है, बाई फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड ऑन देयर सर्फेसिस, एंड दिस ऑकर्ड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, कि लाखों समय तक जब ये प्रोसेस चलता रहा तो उनका माउंटेन्स का साइज भी बढ़ता रहा. तो हिमालयन माउंटेन्स दे आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, सच काइंड ऑफ ग्रोथ, एंड सच काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द एक्रीशन. उसको हम क्या नाम बोल देते हैं, एक्रीशन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. कि वेदर इफ यू टॉक अबाउट दी स्नो माउंटेन्स या हम दूसरे माउंटेन्स की बात करें, ठीक है, लेकिन इनमें ग्रोथ क्या होती है, इट कैन बी डिक्रीज्ड. जब स्नो मेल्ट हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, तो देयर इज अगेन डिक्रीज इन मास. तो डिक्रीज इन मास ड्यू टू ऑफ स्नो, ड्यू टू मेल्टिंग, ड्यू टू मेल्टिंग, तो इट मीन्स द ग्रोथ इज देयर. और एक्रीशन फॉर्म, एक्रीशन मीन्स एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज देयर, कि एक्सटर्नल फॉर्म है ग्रोथ की, बट इट कैन रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, कि किस फिर से पहली पोजिशन में भी आ सकती है. ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रोथ को कहेंगे कि इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. एंड इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन लाइफ, तो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, व्हेन इफ यू टॉक अबाउट देयर ग्रोथ, कि दे ग्रो बाय इंक्रीज इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होता है उनमें जब भी उनका साइज ग्रो करता है, एंड दिस कैन बी बेस्ट विजुअलाइज बाय ग्रोइंग देम इन वाइट्रो कंडीशन. इन वाइट्रो कंडीशन क्या होती है, लैब कंडीशन में जब हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में ग्रो कराते हैं, यानी कि किसी पैट्री डिश में जिसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं और कुछ बैक्टीरिया डालते हैं, तो वी विल सी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज देयर, दैट कैन बी बेस्ट काउंटेड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. हम इवन वी कैन काउंट देम, उनको हम काउंट भी कर सकते हैं, एंड दे विल बेस्ट एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बट इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमिना. कि ग्रोथ भी एक स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर्म है और सेलुलर रिप्रोडक्शन भी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है. ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज ए
feature characters of a living being, but it is not a defining property. क्योंकि non-living beings भी externally grow करते हैं. और क्या difference है living and non-living में? कि living internally grow करती हैं, that is by means of interception. ठीक है? But living beings, non-living beings accretion form of growth करती हैं by external addition. ठीक है? तो but there surely हम कह सकते हैं कि non-living being do not grow. ये तो sure है कि non-living being they do not grow or replicate. ठीक है? तो this is regarding the growth कि it is a character and not a defining property. ठीक है? तो question इस form में आ सकते हैं कि which is a defining property, growth है या नहीं है. ठीक है? तो उस basis पे हम कह सकते हैं या इस तरह से living beings के internal basis पे हम कह दें या external basis पे question आ सकती हैं कि इसमें हम अगर internal side पे बात करते हैं तो it is a defining feature of growth but it is not a defining feature of living non-living one. Non-living का internal addition नहीं होगा, non-living में तो external addition होगा. तो हमें क्या करना है, बिल्कुल एक तरह से इसको clear करना है कि question growth के ऊपर आया है कि वो defining property है या नहीं है, या growth की form के ऊपर आया है कि वो defining है या नहीं है. ठीक है? तो ये तो defining हुआ internal increase, लेकिन totally अगर हम growth को देखें it is not a defining feature. ठीक है? Now we come to the next character, that is a reproduction. So what is a reproduction? It is the process of giving birth one to the young one that is identical to its parents. It is a process of giving birth to the young ones that are identical to their parents. And there are, of course, sexual reproduction is a main form of reproduction in case of higher organizations such as higher animals and plants. Unme to sexual reproduction is basis hai, aur us sexual reproduction ke kya basis hai? Two main basis. They are formation of gametes and their union, and then gamete formation kaisi hogi? There will be a division that will be called meiotic division that we will be studying in our further नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हमने डिटेल में ये सब कुछ पढ़ना है. लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इफ़ यू हैव टॉक अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? मेन क्राइटेरिया दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ड्यू टू मियोटिक डिवीजन. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज ड्यू टू मियोटिक डिवीजन. एक मियोटिक डिवीजन है एक तरह का जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जो कि हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? तो दिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और मियोटिक डिवीजन कम्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है? फिर जब गैमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल, देन दे यूनाइट विद ईच अदर, फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जायगोट एंड टू फॉर्म फर्दर लाइफ, एंड दिस इज ए सेक्सुअल फॉर्म. तो ये सेक्सुअल फॉर्म भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लाइफ ऑल्सो स्टार्ट्स, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली ऑल्सो. कैसे? जैसे कि बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फीजन. सो मैनी डिफरेंट मैथड्स आर देयर. बडिंग इज देयर, और वी कैन से फीजन इज अ कॉमन मैथड. बाइनरी फीजन इज ए कॉमन मैथड ऑफ फीजन डिवीजन और रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के केस में, यीस्ट के केसेज में बडिंग है. ठीक है? कौन सा मेथड है? बडिंग इज देयर. फंगस के केस में देयर इज फ्रेगमेंटेशन इज देयर, और वेरियस स्पोर फॉर्मेशंस देयर आर वेरियस मेथड. मोसिस के केसेस में कौन से हैं? फ्रेगमेंटेशन आर देयर. एल्गी के केसेस में देयर आर एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ वेरियस स्पोर्स. तो ये सब तो हमने हम आने वाले टाइम में अपने इन यूनिट्स में बहुत डिटेल में पढ़ना ही है. तो देयर इज़ नो नीड टू राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स एट दिस टाइम नाउ. कहने का मतलब ये है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर एंड इट इज एग्जिबिटेड बाय मींस बाय वेरियस लोअर फॉर्म्स. लोअर फॉर्म्स के द्वारा होती है, या लोअर प्लांट्स या लोअर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के द्वारा ए सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर. एंड इन दिस ऑर्गेनिज्म इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिम. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उनको हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं. दे आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड फेनोमिना.
If we talk about growth, then we are talking about the reproduction. And if we have talked about the reproduction, definitely we are talking about the growth. कि एक सेल से दो सेल बनना ही रिप्रोडक्शन है और एक सेल से दो सेल बनना ही ग्रोथ है. ठीक है, तो दीज टू आर सिनोनिम्स इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन हायर ऑर्गेनाइजेशंस सच एज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होती हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि स्पेशलाइज सेपरेट इवेंट्स हैं. ठीक है, किसमें, हायर फॉर्म्स में. ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि इफ़ वी टॉक अबाउट दी रिप्रोडक्शन, देयर आर सम वेदर इट इज़ ए डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग वन, तो लॉट ऑफ पजल्स आर ऑल्सो देयर. दैट मीन्स देयर आर सम एग्जाम्पल, जैसे स्ट्राइल वर्कर बीज आर देयर. आपको पता है स्ट्राइल वर्कर बीज, दे आर फॉर्म ए सेक्शु, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. सेकेंड म्यूल और Hini, they are all example of strile, horse and mares. They are strile, hai? They are not able to reproduce. ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि म्यूल क्या होता है, जिसमें मेल डोंकी होता है, फीमेल हॉर्स होता है, या हिनी क्या होता है, फीमेल हॉर्स होता है, मेल विच इज़ अ मेल पार्ट, दैट वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल इसमें. लेकिन इनके जो भी हॉर्स और डोंकी के ये जो प्रोडक्ट्स हैं, म्यूल और हिनी, दे आर स्ट्राइल. स्ट्राइल मीन्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, बट देयर आर सम अदर करेक्टरिस्टिक्स दैट आर एग्जिबिटेड बाय दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये दूसरे करेक्टरिस्टिक्स तो शो कर रहे हैं, बट रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे. तो इसका मतलब क्या है, वट डज इन मीन, कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कि ये भी एक तरह की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बींग्स की. ऑल दो इट इज़ ए करेक्टर, कि ये भी एक तरह का करेक्टर है, बट इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग वन, कि बट ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता लाइफ को. ठीक है, और इट इज़ ओनली ए करेक्टर्स. ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग बींग्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, कि नॉन लिविंग बींग्स भी रिप्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, वट इज़ ए मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव इट, देन वी सी. So another aspect of living being is metabolism. So all living organisms, they are made up of chemicals. Chemicals may be of small size, or they may be of any group or class, or they may be of large size, or of any function. So what does it mean? These group of molecules, they are constantly changed into another group of molecules. ठीक है, तो constantly chemical reactions they are taking place in all the organisms. जितने भी organisms हैं, whether they are small और लार्ज, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल्स, तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस और इवन वी कैन से थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे आर ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग बींग्स. ठीक है, एंड दीज केमिकल रिएक्शंस दे आर कॉल्ड दी मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इफ वी डिवाइड दैम अगेन, दे कैन बी डिवाइडेड इन टू टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. जैसे कुछ बॉडी में रिएक्शंस होती हैं जिनमें द सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल वी कैन सी ड्यूरिंग दीज एनाबॉलिक प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इफ देयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. इन व्हाट मैनर, कि वॉट एवर is going on during these chemical reactions means whatever has been formed from the digestion. Digestion के दौरान जो भी chemical reactions होती हैं उसमें जितने भी simplest product बनते हैं, and there all these simplest product they combined with each other during the process of assimilation, and during this assimilation process they become the permanent part of a body. That means they help in growth and development. ठीक है, whatever we are eating is becoming part of our body and helps in growth and development of the organisms. So all of these anabolic reactions we call them the constructive reactions. There are some another group of reactions. These reactions are catabolic or destructive reactions. Catabolic or destructive reactions. What does this mean? These destructive reactions, what happens in these reactions, ki complex organic molecules they are constantly changed into simple one.
ठीक है, तो लॉट्स ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स. जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन में वी सी दैट इट इज़ ए कैटाबॉलिक रिएक्शन कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन और इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर सिंपलेस्ट प्रोडक्ट एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम दी ग्लूकोज अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो वी कैन से रेस्पिरेशन साइमल्टेनियसली एक्सक्रीशन इज ऑल्सो, एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल और नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल एंड ऑल दीज दे कम अंडर द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो. देर इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो ए एनाबॉलिक रिएक्शन. तो बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस वेदर दे आर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एंड कंबाइंड फॉर्म ऑफ दीज रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड दी मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर पोसेस्ड बाय ओनली लिविंग बींग्स बट दीज रिएक्शंस दे आर नॉट पोसेस्ड बाय नॉन लिविंग वंस. तो दैट इज व्हाई दीज केमिकल रिएक्शंस दे आर ऑल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इफ सच काइंड ऑफ रिएक्शंस इफ यू अलाउ देम टू प्रोसीड इन ए केमिकल इन ए लैब कंडीशन और इन वाइट्रो कंडीशन, वी कैन से कि लैब कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इफ यू टेक ए टेस्ट ट्यूब ली एंड वी हैव पुट सम प्रोडक्ट्स सम केमिकल्स इनसाइड देम एंड गिव एनर्जी टू दीज केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स दे विल ज्वाइन टू फॉर्म क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह से लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल दे आर गिवन बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दे ऑल्सो हेल्प इन केमिकल एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या वी कैन से ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किए एंड दे ऑल दे हैव प्रूव दैट द लाइफ इज स्टार्टेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस स्लोली एंड स्टीडली और वी कैन से ग्रेजुअली. तो इसी तरह से कुछ केमिकल्स को हमने जब टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और उसमें एनर्जी प्रोवाइड की तो वी विल सी सम ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे आर फॉर्म्ड. तो श्योरली दीज आर केमिकल रिएक्शंस, नाइदर दे कम इनसाइड द लिविंग और नॉर इन द लिविंग, ना ही ये तो नॉन लिविंग कहलाती हैं ना ही लिविंग कहलाती हैं. ठीक है, दीज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग बींग्स के अंदर तो आती नहीं है बट श्योरली दीज आर लिविंग रिएक्शंस. ठीक है, और हम इनको कह सकते हैं कि ये लिविंग रिएक्शंस हैं. ठीक है, बट दे नेवर कम इन द लिविंग एंड और बिटवीन द लिविंग बींग एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ दीज रिएक्शंस दैट मीन्स वी नीड ए सेल. तो दैट मीन्स वॉट वी मीन टू से कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एन अदनदर ऑस्पेक्ट कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और हायरार्किकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिएक्शंस कि हम चाहते हैं कि ये रिएक्शंस लिविंग बींग्स के अंदर हो तो वो सेल की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज दीज रिएक्शंस आर ओनली लिविंग रिएक्शंस, ना ही हम इनको लिविंग बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाई श्योरली दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग बींग्स कि नॉन लिविंग बींग्स में ये एब्सेंट होती है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नेक्स्ट आस्पेक्ट दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आस्पेक्ट वी कैन से aspect is of consciousness. Ki what do you means of the living organisms? They have ability to sense to the environment. Consciousness is another feature of living beings. ठीक है, and it is also a defining property. अब ये कैसे है defining property? वो अब हम देखते हैं. तो living being they show the phenomena of consciousness or they respond to external stimuli. कितने भी स्मॉल हो या लार्ज ऑर्गेनिज्म हो ऑल दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन.
एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो ऑल दी ऑर्गेनिजम्स दे हैव एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरमेंट, चाहे वो एनवायरमेंट कौन सा हो, वो यानी कि स्टिमुलाई कौन सा हो, वेदर दे मे बी, इट मे बी फिजिकल और इट मे बी केमिकल और इट मे बी बायोलॉजिकल वन. किसी भी तरह का एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है किसमें, लिविंग बींग्स में. और इफ़ यू टॉक अबाउट दी प्लांट, कि प्लांट्स दे ऑल्सो सेंस द एनवायरनमेंट, दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एबायोटिक कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स ले लें, उनके अगेंस्ट भी वो रिस्पॉन्स शो करते हैं. या हम कह लें टू दी पॉल्यूटेंट ऑल्सो, कि पॉल्यूटेंट्स जो भी होते हैं एनवायरनमेंट में, दी प्लांट्स दे शो सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड, दे ऑल्सो शो सच रिस्पॉन्ड टू सच काइंड ऑफ ए बायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट. देयर आर सम फोटो पीरियड दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, कि फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेज आर गिवन बाय प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. जैसे कि हमें मालूम है कि प्लांट्स दे फ्लावर, समटाइम्स दे नीड ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सनलाइट एंड समटाइम्स दे नीड ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ सनलाइट. कई बार तो उनको बहुत थोड़ी लाइट की जरूरत होती है, तो उसके बेसिस पे हम उनको कह सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, और कई बार लॉन्ग डे प्लांट्स दे आर देयर. और इसी तरह से देयर आर सम सीजनल ब्रीडर्स, दे ब्रीड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, फिशेज हैं, दे आर ऑल सीजनल ब्रीडर्स, एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट मीन्स ऑल दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड दिस एबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ नॉन लिविंग बींग्स. नॉन लिविंग बींग्स में हवा, पानी या वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये तो हम कह सकते हैं ना. लेकिन देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, वन पजल इन दिस केस ऑल्सो. कौन सा पजल है, कि इफ ए पर्सन इज सिटिंग इन कोमा, पर्सन इन कोमा, कोमा आपको पता है ना कि एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें पर्सन इज हैविंग ब्रेन डेथ. ब्रेन तो उसका डेड होता है, बट अदर ऑर्गेनिजम्स दे आर लिविंग. दैट मीन्स द पर्सन इज सपोर्टेड बाय लंग्स एंड हार्ट मशीन इन कोमा. हॉस्पिटल्स में वी हैव सीन सो मैनी और सच काइंड ऑफ पेशेंट्स, दे आर सर्वाइविंग सिंस लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वो सर्वाइव कर रहे हैं. तो वॉट वी कॉल दैम दीज पर्सन्स, लिविंग और नॉन लिविंग, इवन दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई भी किसी भी तरह की वो कॉन्शियसनेस को शो नहीं कर रहे, तो वो किस कंडीशन में आते हैं, लिविंग में या नॉन लिविंग में? ऑफकोर्स दे आर लिविंग बिकॉज दे आर शोइंग अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कि ब्रेन अगर डेड है बट दे आर शोइंग अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो दैट मीन्स दे आर लिविंग. तो इसके तो वॉट वी कैन से कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग बींग्स. ठीक है, ऑफकोर्स पर्सन सिटिंग इन कोमा दे आर ऑल्सो शोइंग द साइन ऑफ लिविंग बींग्स, बट दे आर हैविंग देयर ब्रेन डेड और दे आर नॉट कॉन्शियस. एंड इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स ओनली द ह्यूमन बींग्स दे आर हैविंग सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस. कि सबसे ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस किस में होती है या सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में होती है? ऑफकोर्स इन ह्यूमन बींग्स. दैट मीन्स जितनी भी ये फीलिंग्स हैं, एंग्जाइटी है, हैप्पी कंडीशंस है, सैडनेस है, थर्स्ट है, या हम हंग्री कंडीशंस कह लें, वट एवर दीज जो भी एक्सपीरियंसिस हैं, दे आर ऑल किसके द्वारा, दे आर ऑल मेमोराइज्ड और दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड बाई दी ह्यूमन बींग्स एंड नॉट अनदर ऑल्सो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा किस में डेवलप होती है? ह्यूमन बींग्स में एंड नॉट इन अदर ऑर्गेनिजम्स. तो वॉट इज़ द कंक्लूजन, कि इन हायर क्लासेस वी विल कम टू नो दैट द लाइफ फॉर्म इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ, इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन द लाइफ देन इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ अंडरलाइंग लिविंग स्टेट. कि वॉट एवर इज प्रेजेंट इज underlying living interactions. If we take an example of tissue, so what we can say, first of all main isko rub kar deti hu, then I will define the next important property. So we come to the conclusion that all the living phenomena are due to underlying interaction.
if we take the example of a tissue, whatever the properties of tissue are there, these properties of tissue, they are not due to the individual cells of which they are made up of. कहने का मतलब क्या है कि tissue जो भी work करते हैं इकट्ठा या perform करते हैं वो cells की individual property के कारण नहीं है, but due to the interaction amongst the similar kind of cells. कि क्या होती हैं, एक ही तरह की cells आपस में interact करती हैं and they form a tissue that is an emergent property at a higher level. और इसी तरह से अगर हम cell organelle की बात करें कि the properties of cell organelle, कोई भी जैसे cell organelle ले लें, stomach ले लें या intestine ले लें या liver ले लें या heart ले लें, कुछ भी cell organelle ले लें, हम cell organelle ले लें या organ ले लें, तो what we see कि we see that the properties of these organelles or organs are not due to the properties of the individual molecules of which they are made up of. कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स जिसके बने होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के या सेल ऑर्गन जिसके टिश्यू जो जिस भी स्पेसिफिक टिश्यू के बने होते हैं कि उनकी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती बट ड्यू टू द इंटरेक्शन अमंग देमसेल्फ. ठीक है, तो क्या होता है, वेन एवर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब भी ये कंबाइन करते हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म ए नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट बिकम्स एन इमरजेंट न्यू प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है किसकी, उस ऑर्गेनिजम्स की. जैसे कि सेल्स ने कंबाइन किया तो कंबाइंड आफ्टर कंबाइनिंग दे स्टार्टेड फॉर्मिंग, उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया और टिश्यू एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग फिनोमिना दे आर इन सच एन हायरार्किकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जितने भी ये सारे लिविंग फिनोमिना हैं वो ऑल दे आर क्या होते हैं, हायरार्किकल लेवल, हायरार्किकल मीन्स दे आर इन सीक्वेंस, एक तरह से सीक्वेंस में वो ऑर्गेनाइज करते हैं एंड दे बिकम एन हायर ऑर्गेनाइजेशन. लोअर ऑर्गेनाइजेशन मिलती है और वो क्या बनाती है, हायर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. ठीक है, तो इस तरह से वी कैन से कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल द लिविंग बींग्स दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लीकेटिंग एंड सेल्फ इवॉल्विंग यूनिट्स. क्या होती हैं, दे आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग, दे आर एबल टू डुप्लीकेट देमसेल्फ, इवॉल्व देमसेल्फ, अपने आप को मॉडिफाई करना. ठीक है, एंड इवन दे ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्फ इन द न्यू एनवायरमेंट इन विच दे आर टू सर्वाइव, कि जिस भी एनवायरमेंट में उन्होंने सर्वाइव करना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ. बायोलॉजी इज ऑल्सो ए साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम पिछले ले लें या प्रेजेंट ले लें या हम फ्यूचर के ले लें, तो इफ़ वी टॉक अबाउट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ऑल दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. वो हमें कैसे मालूम हुआ, दैट वी हैव कम टू नो बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हो रही है कि दे आर ऑल रिलेटिंग टू ईच अदर, कि वो हमें पता चल रहा है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं एंड दे आर शेयरिंग सम जेनेटिक बेसिस टू वेरिंग डिग्रीज, कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल भी शेयर कर रहे हैं अप टू सर्टन एक्सटेंट तक. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन आर द रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन. ठीक है, एंड इट इज़ गिविंग द प्रोसेस ऑफ इज सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑन दिस अर्थ. ठीक है, और इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इस बायोस्फीयर में, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इफ इट इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. तो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी ऑल ऑफ दिस डाइवर्सिटी बिकॉज वी गेट सो मैनी बेनिफिट, अब हम उसके देखेंगे क्या बेनिफिट्स हैं, वाई देयर इज ए नीड टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी और इन वट मैनर वी विल बी स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक.